तुम्हारी रेसिपी स्टार्ट होने जा रही है। हमारे साथ में देखो किचन में बैठ गया, यहाँ चपाती तंदूरी रोटी पराठा और हमारे मुंबई वाले पाव से अच्छे से खा सकते हो। ये पहली बार अंडा छिल रहा है, इसको पता नहीं कैसे छिलते अंडा। तो दोस्तों हमारा अंडा वाइट कोरमा रेडी हो गया है। हाँ मीठा है लेकिन ज्यादा भी नहीं है, मतलब टेस्ट कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए लिया है एक स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है अंडा वाइट कोरमा। तो चिकन कोरमा मटन कोरमा आपने बहुत खाया होगा लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी रेसिपी स्टार्ट होने जा रही है। हमारे साथी को देखो किचन में बैठ गया यहाँ। तो हम 4 अंडे का कोरमा बनाएंगे, तो आप जितने अंडे का चाहो उतने अंडे का बना सकते हो। और अंडे को हमने पहले से उबाल लिया है। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे और इसको हम लाल नहीं होने, प्याज हमारा नरम हो गया है। अब हम इसमें एक थोड़ा सा अदरक डालेंगे और 6 से 7 लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मिर्ची आपको जितना दिखा खाना हो वो हिसाब से हरी मिर्ची डाल लेंगे। हल्का सा इसको चलाने के बाद अब इसमें हम और टेस्टी करने के लिए इसमें हम 4-5-6 बादाम ले लेंगे और 10-15 काजू ले लेंगे। इसको डालेंगे, इससे काफ़ी टेस्टी होने वाला ये कोरमा। बादाम को हमने पहले छील लिया है, इसको भिगा के छील लिया बादाम को पहले से ही। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो पानी डालने के बाद इसमें ढक्कन लगा के हम पकने के लिए रख देंगे। कितने देर के लिए? 5 से 7 मिनट। 5 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। अंडे को जो है सादिम छीलेगा, ये पहली बार अंडा छील रहा है, इसको पता नहीं कैसे छीलते अंडा। हाँ हल्का हल्का जोर से नहीं, एकदम हाँ छीलो इसको। अंडा छीलने नहीं आता दोस्तों, देखो आज अंडा छीलना सीखेगा आराम से। इसका प्याज छीलो छीलो, बस छिलका निकाल दो। ये देखो हाँ छीलो, कैसा डर डर के छील रहा है। देखो दोस्तों पहली बार छील रहा है, पहली बार छील रहा है, डरने का नहीं, छीलो प्यार से निकल गया। तो हमारा मसाला रेडी हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। उससे पहले हम अंडे को जो है प्लस के शेप में थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे ताकि फ्लेवर पूरा अंदर तक चला जाए। एक बार ऐसे और एक बार ऐसे सारे अंडों को हम इसे कट कर लेंगे जब तक हमारा मसाला भी ठंडा हो जाएगा। तो हमारा मसाला जो ठंडा हो गया इसको मिक्सर में हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे बढ़िया सा। तो हमारा मसाले का पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम अपना अंडा वाइट कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची और इसमें अक्खा जीरा और जो हमने पेस्ट बनाया था अब उस पेस्ट को इसमें डालेंगे। और इसको कंटिन्यू आपको चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब हमारा ग्रेवी जो एकदम रेडी हो गया है, इसका तेल जो है ऊपर आ गया है। अब इसमें हम 1/2 कप दही डालेंगे और फेंट के एकदम अच्छे से। अब इसमें हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। नमक के बाद 1 चम्मच डालेंगे इसमें जीरा पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गर्म मसाला। घर का गरम मसाला, घर का ये घर का बनाया हुआ गरम मसाला है, वेरी गुड। सब डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया डालने से हमें काफ़ी खुशबू भी आ जाएगी और इसे हमें थोड़ी देर तक अच्छे से भून जाए ताकि इसका जो दही है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको आप समझ लो चपाती तंदूरी रोटी पराठा और हमारे मुंबई वाले पाव से अच्छे से खा सकते हो। खुद तो खा सकते हो आप लोग, कोई मेहमान आ जाए उसको भी आप बना के खिला सकते हो और आपकी तारीफ़ करेंगे। और आप बता देना कि हमने किसका रेसिपी देख के बनाया है। रुकैया का नाम ले लेना कि रुकैया की रेसिपी है ना। हाँ बोल रही, तो बोलती नहीं है दोस्तों, और ये बोलती नहीं दोस्तों, इसको तो समझाओ ही बोला करे, ये कुछ बोलती नहीं, खाली बनाती खाना बस। हमारा ऑयल जो है वो बनाने लगा है, अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे डेरी क्रीम। डेरी क्रीम भी डाल सकते हैं और घर में रखी भी दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई, अच्छा। अब इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है दोस्तों, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। दोस्तों हमारी ग्रेवी एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। इसमें हम डालेंगे ये हमारे प्यारे प्यारे उबले हुए अंडे। हमने 4 अंडे के बनाए हैं
आप चाहो जितने अंडे का उतना बना सकते हो। अगर आप किसी को दावत वगैरह दे रहे हो, ज़्यादा लोग आने वाले हों, तो वो हिसाब से आप अंडे बना सकते हो, डाल सकते हो। और अंडे डालने के बाद इसको हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने अंडे काटे हुए हैं ना, वहाँ तक हमारा मसाला ग्रेवी पूरा पहुँच जाए। और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो अब ऊपर से इसमें आप 4-5-6 हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं। तीखा खाने वाले, हम लोग ज़्यादा तीखा खाते नहीं, स्पाइसी खाते नहीं, इसलिए हम लोग नहीं डालेंगे। इसको तीखा पसंद हो, ऊपर से हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं इसमें। अब इसको थोड़ी देर तक एकदम हल्के फ्लेम पर पकाना है, ज़्यादा तेज आँच में नहीं पकाना इसको। तो दोस्तों, हमारा अंडा वाइट कौरमा रेडी हो गया है। अब इसको हम इसमें निकाल लेंगे। और आप हरी मिर्ची ऊपर डालोगे ना, और खूबसूरत दिखेगा, तीखा भी लगेगा। हरी मिर्ची भी आप डाल देना। तो दोस्तों, अब हम खाने जा रहे हैं, और साथ में इनकी मम्मी ने इनके लिए पराठा ही बनाया है इसके साथ खाने के लिए। इसके साथ आप चपाती भी, तंदूरी रोटी, पराठा कुछ भी खा सकते हो। तो शायद मैं मम्मी निकाल के दूंगा आज, इनकी मम्मी को पराठा बना रही है अभी। तंदूरी होती ना तो फिर और मजा आता। ये इसका ग्रेवी निकालता हूँ अब। इसका टेस्ट जो है शादी में बताएगा भाई, आजकल सारी रेसिपी का टेस्ट यही बताता है। तीखा तो हमारे घर में खाते हैं। सुनो सुनो, तीखा हमारे घर में खाते हैं, इसके लिए तीखा नहीं बनाया है। हाँ मीठा है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है। मतलब टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट अच्छा लगा मेरे को। अंडे के साथ पराठे का मजा आया ना? हाँ मजा आया, मुझे इसे देख के खाली मजा आ रहा है है ना। चलो माशाल्लाह, मेरे बेटे को पसंद आ गया, समझ लो आप लोग को भी पसंद आएगा। तो आप लोग भी ऐसा बना के ट्राई करो एक बार खाने का, और कोई मेहमान आए तो उसको भी बना के खिलाओ, हो सकता है आप हमसे अच्छा भी बना सकते हो। और जो भी बनाना हमें कमेंट करके जरूर बताना कि हमने ये रेसिपी देख के बनाई है ना। दोस्तों, मैं तो खा नहीं पाता, लेकिन थोड़ा सा एकदम हल्का सा ग्रेवी लेके ट्राई करता हूँ। तीखा नहीं होगा तो हल्का सा खा लूँगा। अंडा भी शादी को उसमें से ले लूँगा मैं। हाँ तो हल्का सा ऐसे करके, तीखा नहीं लगेगा ना शादी में? तीखा नहीं लगे, बस इसमें लगा 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 मुझे लगा यार। वैसे टेस्ट अच्छा है, लेकिन मैं क्या है ना, जरा भी दिखा नहीं खा पाता हूँ। इसमें जीरा है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, हरी मिर्ची है, तो मुझे तीखा लगता ही लगता है, क्योंकि रेडिएशन से ना पूरा मतलब मेरा अंदर ख़राब हो गया है। लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ तो बस एक ही वाला खा लिया, मज़ा आ गया, बस बहुत हो गया मेरे लिए। तो दोस्तों, अंडा वाइट कौरमा सालिम ने उनकी मम्मी भी खा लिया, हमें तो काफ़ी टेस्टी अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ट्राई करना, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।